कोलकाता कांड के बीच महाराष्ट्र के बदलापुर में एक नामी स्कूल में दो बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये मामला सामने आने के बाद मंगलवार को बदलापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। वहीं अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में खुद संज्ञान लिया और गुरुवार को इस पर सुनवाई भी हुई। बदलापुर कांड पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट काफी गुस्से में दिखा। हाईकोर्ट ने इस मामले को बेहद चौंकाने वाला करार दिया और उसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई, साथ ही मामले में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए। बदलापुर केस की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा, ये कैसे हालात है, ये बेहद चौंकाने वाली बात है। हाईकोर्ट ने अफसोस जताते हुए कहा कि अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों का क्या मतलब है। हाईकोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने को भी कहा। कोर्ट ने सरकार से केस डायरी और प्राथमिकी की कॉपी भी मांगी। कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने स्कूल के खिलाफ केस दर्ज किया। पॉक्सो के तहत घटना की जानकारी छिपाने पर स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बनाने का प्रावधान है। सरकार की तरफ से कहा गया कि SIT का गठन किया गया है, अब केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्ची के परिजनों ने जैसे ही FIR दर्ज कराई, स्कूल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। पुलिस को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये अब आम बात हो गई है, जब तक तीव्र विरोध ना हो मशीनरी काम नहीं करती। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे जांच गंभीरता से नहीं होगी। हाईकोर्ट इस पूरे मामले में काफी नाराज दिखा। हाईकोर्ट ने कहा कि ये क्या है, 13 तारीख की घटना है, 16 तारीख को FIR और बयान 22 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि राज्य सरकार और पुलिस की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही हुई या मामले को दबाने की कोशिश की गई तो हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि हम ये जानकर भी हैरान हैं कि पुलिस ने दूसरी बच्ची के परिजन का बयान भी दर्ज नहीं किया था। हमने संज्ञान लिया तब पुलिस ने ऐसा किया, आपने आधी रात के बाद बयान दर्ज किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतनी देर क्यों, ये सवाल सीधे तौर पर पुलिस से किया गया। बच्चियों ने खुद घटना की जानकारी दी है, इसके लिए बहुत हिम्मत जरूरी होती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को कहा है कि अगली तारीख 27 अगस्त को बहुत सारे सवालों के जवाब एडवोकेट जनरल को देने होंगे। आपको बता दें कि बदलापुर पूर्व के एक नामी स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। पीड़ितों में से एक 4 साल की बच्ची है और दूसरी 6 साल की है। घटना 12 और 13 अगस्त को घटी थी। इस मामले में आरोपी अक्षय सिंधे को गिरफ्तार किया गया है। मामला सामने आने के बाद मंगलवार को बदलापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। इस बीच बुधवार को शहर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में करीब 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।